नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर गुर्जर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गुजरात जिस उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है वह हीरा उद्योग अब बदहाल है। कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, 3 के बदले 1 शिफ्ट में काम हो रहा है और वो भी कम घंटे काम हो रहा है। इसके बावजूद इससे जुड़े 60,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले उस समय के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के आर्थिक विकास को मॉडल के रूप में पेश किया था। गुजरात के आर्थिक विकास में पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योग तो हैं ही, पर हीरा उद्योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि यह सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है और इसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हीरा उद्योग में 15,000 इकाइयां काम करती हैं, जिन पर सीधे या परोक्ष रूप से 7,00,000 लोगों का रोजगार निर्भर है। छोटी, मझोली और बड़ी कुल मिलाकर 3,500 कंपनियां इस क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन हीरा उद्योग में मंदी पिछले 2 साल से है। नोटबंदी के ठीक बाद ही इस उद्योग में मंदी आने लगी। इसके बाद GST लागू होने से तो उद्योग की मानो कमर ही टूट गई। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि नकली हीरे का चलन बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हीरों की चमक फीकी पड़ने से भी इस उद्योग का बुरा हाल है। साल 2017 के नवरात्र की छुट्टियों के बाद कई हीरा इकाइयां खुली ही नहीं। सूरत में हीरा उद्योग में 13,000 लोग काम करते हैं। यहां की लगभग 40% इकाइयां 2017 के नवरात्र की छुट्टियों के बाद अब तक नहीं खुली हैं। इस बार अभी से ही कई कंपनियों के बाहर नोटिस लगे हुए हैं कि पैसे बचा कर रखें, इस बार नवरात्र की छुट्टी ज़्यादा लंबी हो सकती है। लोग इससे अभी से परेशान हो रहे हैं। गुजरात हीरा कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 2018 में नौकरी जाने के बाद 10 से अधिक कर्मचारियों ने खुदकुशी कर ली है। इससे उस उद्योग की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। समझा जाता है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जतिन मेहता के कारनामे और घपले कर विदेश भाग जाने के बाद कोई बैंक अब हीरा उद्योग को पैसे देना नहीं चाहता। इस वजह से हीरा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के सामने वित्तीय पूंजी की कमी हो गई है। इस कारण वे विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, नई इकाइयां शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मंदी का आलम यह है कि कई कारखानों ने 3 के बदले 1 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद कुछ दूसरों ने काम का समय कम कर दिया है। इसके बावजूद काम नहीं है तो कर्मचारियों को निकाला जाने लगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि हीरा उद्योग की यह मंदी कोई अलग मंदी नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था में छाई मंदी का ही एक रूप है। हीरा उद्योग में भी मांग और खपत कम हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो हीरा जैसे महंगा शौक कौन पाले भला। अब तो सरकार और उसकी एजेंसियां भी मानने लगी हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसके मद्देनजर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते दिनों कई खास घोषणाएं की, जिससे आर्थिक मंदी को कम से कम रोका जा सके। इसका नतीजा क्या होगा यह देखना अभी बाकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्यहिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।